न्यूज नशा, आदत हर खबर की। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं विनीता यादव। जो बड़ी खबर है उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरह से रूस के 2 दिन के दौरे पर गए हैं, दरअसल उनके बीच में क्या बात हो रही है। बॉडी लैंग्वेज को अगर देखा जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो अपनी बॉडी लैंग्वेज इस तरह से शो कर रहे हैं कि लगता है कि सब कुछ दुरुस्त नहीं है, बहुत अच्छा है। मीडिया रिपोर्ट्स की बात करें तो वो ये कह रही हैं कि इन दोनों की मुलाकात से अमेरिका जो है वो चिंता में पड़ गया है, उसकी चिंता बढ़ गई है। पीएम मोदी के पुतिन के साथ हुई अनौपचारिक बैठक के कुछ ही देर बाद अमेरिका ने सोमवार को एक बयान भी दे दिया। दरअसल अमेरिका ने सोमवार को यूक्रेन पर मॉस्को के आक्रमण के बीच भारत के साथ रूस के संबंधों को लेकर चिंता जता दी। समाचार एजेंसी रॉयटर भी ये कहती है कि विदेश विभाग के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की ब्रीफिंग की। इस दौरान उन्होंने कहा कि मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पब्लिक रिमार्क को देखूंगा कि उन्होंने क्या कहा, लेकिन जैसा कि मैंने कहा, हमने रूस के साथ उनके संबंधों के बारे में अपनी चिंताओं को भारत के सामने बता दिया है। मिलर ने आगे ये भी कहा कि अमेरिका को उम्मीद है कि भारत या कोई भी अन्य देश जब रूस के साथ बातचीत करेगा तो वो साफ कर देगा कि मॉस्को को संयुक्त राष्ट्र चार्टर और यूक्रेन की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करना चाहिए। अमेरिका भारत पर क्या दबाव बना रहा है, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। फरवरी 2022 में यूक्रेन के साथ युद्ध शुरू होने के बाद से ही भारत पर रूस से दूरी बनाने के लिए अमेरिका का दबाव बना रहा। भारत ने रूस के साथ अपने दीर्घकालिक संबंधों और अपनी आर्थिक जरूरतों का हवाला देते हुए इस दबाव का विरोध किया। उन्होंने ये भी कहा कि उसने चल रहे युद्ध के शांतिपूर्ण समाधान के लिए आवाज उठाई है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर किस तरह की डिप्लोमेटिक एक्टिविटी दिखाते हैं, ये बड़ा सवाल है। जिस तरह की मीडिया रिपोर्ट्स आ रही हैं, क्या वो सच है? पीएम मोदी पुतिन पर दबाव बना रहे हैं या फिर कहानी कुछ और है? ऐसा तो नहीं कि पुतिन मोदी पर दबाव बना रहे हैं, और इस वक्त मोदी दबाव में सिर्फ एक तरह से नहीं, दोनों तरफ से फंस चुके हैं। ये तस्वीर जो है, कभी एक जमाने में इंदिरा गांधी ने बहुत बखूबी तरीके से संभाली थी, आज की क्या सच तस्वीर है, इस पर बात करते हैं मैनेजिंग एडिटर 4TV वाहिद नसीम जी से। वाहिद भाई, मैं जो सवाल कर रही हूँ, अब आप इसका जवाब दीजिए, क्या वाकई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दबाव बनाने की स्थिति में है या खुद दबाव में चल रहे हैं? देखिए, दरअसल क्या है, हमारा जो मीडिया है ना, तथाकथित मीडिया है और बुद्धिजीवी वर्ग है, इन्होंने हमेशा भारतीय जनमानस को कभी डिप्लोमेसी का ज्ञान दिया ही नहीं या खुद भी हासिल नहीं किया। डिप्लोमेसी मतलब आपके जो विदेशी रिलेशन होते हैं, विदेश में जो जियोपॉलिटिक्स में चल रहा होता है, कभी उस पर चर्चा नहीं होती। और कुछ चैनल अगर विनीता जी कर भी रहे हैं तो वो आपको बमों का साइज बता रहे हैं, जहाजों की उड़ान की स्पीड बता रहे हैं, चूंकि उनके मालिक भारत में हथियार बनाने की कंपनियां लगा रहे हैं। आप बात समझे, वो विदेश नीति पर बात नहीं कर रहे हैं, वो भारत को जो भू राजनीति है उससे अवगत नहीं करा रहे भारतीय जनता को। दरअसल उनके मालिक जो हथियारों के बाजार में उतरे हैं, वो इसलिए आपको दिखा रहे हैं पूरे देश को कि कौन सा हथियार किस साइज का होता है, कौन सा हथियार कैसे चलाया जाता है। मतलब एक गुमराही की तरफ इस देश को ले जाया जा रहा है। देखिए, एक बात आप समझिएगा भाई, मैं एक सवाल और करना चाह रही हूँ। ये देखिए, विजुअल में आप देख रहे हैं, ये बहुत ज्यादा चल रहे टीवी चैनल पर विजुअल, मगर इनमें जो मोदी जी ने बोला है, देखा जाए या कुछ और देखा जाए इसमें क्या? नहीं, मैं दो चीजें आपको बताता हूँ। मोदी जी के गले में एक बेहतरीन किस्म का हार पहनाया है व्लादिमीर पुतिन ने, और ये जो जहां पर ये तस्वीर आप दिखा रहे हैं, जब यहाँ मोदी जी बोल रहे थे, पुतिन को ट्रांसलेट करके जो सुनाया जा रहा था, उसमें इन्होंने क्या इम्पोर्टेंट बात की और उसका जो परिदृश्य असल में क्या है, वो ही एक कूटनीतिक जो है मैसेज है, जिसे हम पोस्चरिंग कहते हैं डिप्लोमेसी में। उस पोस्चरिंग का जो की है मोदी जी ने, उसको देश की जनता को समझना चाहिए। और मेरे ख्याल से जितना मैं समझाऊं, समझाने की कोशिश करता हूं, बाकी आप समझा दीजिए। देखिए, मोदी जी ने यहाँ ये एक बात कही है कि ये जो युग है वो युद्ध का नहीं है। ये किसको बता रहे हैं? व्लादिमीर पुतिन को बता रहे हैं। दूसरी बात, इनका बहुत बड़ा मतलब, इसके पीछे की कहानी बहुत लंबी है, शब्द 2-3 आपको बता रहा हूँ, उनके मतलब समझाने की कोशिश करता हूँ, कूटनीतिक मतलब क्या है। दूसरा, मोदी जी ने यह कहा कि जो बच्चों की मौतें हो रही हैं, ये हृदय विदारक है,
ये शब्द जो है मोदी जी के मुंह से बड़े दिनों के बाद सुना है। एक बार सुना था कि कुत्ते का पिल्ला भी मरता है तो मुझे दुख होता है। आज मोदी जी ने व्लादिमीर पुतिन के सामने बैठ के यहाँ जहाँ अंतर्राष्ट्रीय मीडिया मौजूद था वहां ये कहा कि बच्चों की जो मौतें हो रही हैं वो हृदय विदारक है। भारतीय मीडिया उसको कैसे ले रहा है या आपको कैसे गुमराह कर रहा है इस देश को, मैं वो पोल खोलना बहुत जरूरी है। देखिये यहाँ भारतीय मीडिया ये कहने की कोशिश कर रहा है कि जिस तरीके से यहाँ जाने से पहले भारतीय मीडिया ने कोशिश की थी बताने की कि विश्व गुरु जो है वो रशिया जा रहे हैं और रशिया जाने के बाद वो यूक्रेन के मामले पर बात करेंगे और यूक्रेन की जो है सलाह कराने की कोशिश करेंगे, युद्ध बंदी करा देंगे। मतलब एक इतनी बढ़ा चढ़ा के मत पेश करिए कि दूसरे देश को उस पर कोई एक्शन लेना पड़े। एक्शन कैसे लेना पड़ता है? भारतीय मीडिया भारत का बहुत नुकसान करता है। मेरा गुस्सा इसलिए नहीं होता विनीता जी के मैं कोई उनको छोटा बड़ा साबित करने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं तो गिनती में ही नहीं गिनता हूँ, मगर बात यह है कि देश का जो नुकसान होता है वो कैसे होता है। जहां पर मोदी जी जब ब्रीफिंग कर रहे थे तो रूस हमला कर रहा था यूक्रेन के ऊपर, और यूक्रेन के ऊपर जो हमला कर रहा था वो बड़ा भयानक था। जहां पर अमेरिकी लोग बैठे हुए थे, जो ट्रेनर्स बैठे हुए थे, जो वहां की कमांड संभाल रहे थे, उसको तबाह कर रहा था। जो मिसाइलें रशिया ने दागी उन्हें रोकने की क्षमता जो अमेरिकी पैट्रियोट है उसमें नहीं थी। एक पैट्रियोट जो है वो गलती से पैट्रियोट जो निशाना लगा रहे थे रोकने का वो निशाना नहीं लगा पाए, जिसका वीडियो जो है बाकायदा जारी कर दिया है रशिया ने। वो अस्पताल पे, बच्चों के अस्पताल पे अमेरिकी एयर डिफेंस सिस्टम ने तबाही मचाई है। तो यहाँ पर क्या मोदी जी उस वक्त, मेरे ख्याल से ये इन्फॉर्मेशन उनके पास होगी भी नहीं उस वक्त, कि बच्चों की जो मौतें हुई है वो यूक्रेन में हुई है और जो अस्पताल में मौतें हुई है उसके विषय में जो है मोदी जी कह रहे हैं कि बच्चों की जो मौतें हैं वो हृदय विदारक है। मैं इसे दूसरी तरीके से देखता हूँ, क्योंकि इस मुद्दे पर अगर यूक्रेन पर हमले हो रहे हैं या अस्पताल पे कोई हमला हुआ है उसको लेकर ये कहें मोदी जी कि जो बच्चों की मौतें हो रही हैं वो हृदय विदारक है, मेरी व्लादिमीर पुतिन से यानी आपसे, उन्होंने कहा आपसे हमारी लंबी वार्ता इस पर हुई है। लंबी वार्ता किस पर हो सकती है? एक मिसाइल हमले पर नहीं हो सकती, क्योंकि मोदी जी कह रहे हैं कि मैं मध्यस्थता इसकी करने नहीं आया हूं और हम यूक्रेन के मामले की मध्यस्थता नहीं कर रहे हैं, मगर ये कह रहे हैं कि युद्ध नहीं बल्कि टेबल के ऊपर फैसला होना चाहिए, यानी यूक्रेन के मामले से उन्होंने खुद को अलग कर लिया। अब ये यानी भारतीय मीडिया फेक फेक एंड फेक साबित हुआ। अब आगे चलते हैं, यहाँ मोदी जी कह रहे हैं मैंने जाने से पहले ये बात कही थी, लेकिन भारतीय मीडिया ये चला रहा है कि मोदी जी ने पुतिन को सुनाई खरी खरी। ये मतलब ये बेवकूफ है ना, और इस तरह का जो परसेप्शन है इतना पॉसिबल है ये जो सच्चाई में? सुनिएगा ना, ये बेवकूफी क्या होती है जी, जो मीडिया चैनल चला रहे, देश सुन ले मेरी आवाज को, ये देश जो सुना रहे हैं, क्योंकि रशिया ये अमेरिका और इजराइल के साथ मिलकर हथियार बना रहे हैं इनके मालिक चैनलों को, और ये जो हथियार बनाने की कंपनियां लगा रहे हैं ये कोई इतनी बड़ी नहीं है कि जो है देश का हमारा भला कर देंगी, देश की सुरक्षा कर देंगी। ये मुनाफा कमाने वाली कंपनियां, क्योंकि रूस ने पहले ही दौरे में जो है मना कर दिया था व्लादिमीर पुतिन ने कि हम प्राइवेट कंपनियों के साथ काम नहीं करते, हम देश के भारत के साथ काम करेंगे, हम इसरो के साथ काम करेंगे, हम पहले भी कर रहे हैं, देश हमारे साथ एग्रीमेंट करे, हम लालाओं के साथ एग्रीमेंट नहीं करेंगे। और इन लालाओं ने एग्रीमेंट किया अमेरिका का, जिनके ये चैनल हैं, इनके जो एंकर हैं वो दरअसल एजेंट हैं अमेरिका के, एजेंट हैं इजराइल के, देश के खिलाफ जो है बयानबाजी कर रहे हैं, जिसकी बेइज्जती हुई है हमारे प्रधानमंत्री की, मेरे प्रधानमंत्री की रूस में वो बेइज्जती हुई है कि भारत का मीडिया ये कह रहा है कि मोदी जी उन्हें धमकाने या समझाने गए हैं यूक्रेन के मामले पर। उधर रूसिया ने क्या किया, धड़ाधड़ बम बरसा के भुज भर दिया यूक्रेन में, यानी मोदी जी की मौजूदगी में जिस तरह का व्यवहार जो है रशियन फौज ने किया कि यहां बोलने की हिम्मत मत जुटाना क्योंकि हम यूक्रेन को नष्ट नाबूद कर रहे हैं और तुम बोल भी नहीं सकते, और तुमको ये कहना पड़ेगा कि यूक्रेन से हमारा कोई मतलब नहीं है, बात टेबल पे होनी चाहिए। अब ये मीडिया इस देश को कुछ मुंह दिखाएगा या ये देश का मीडिया, ये देश के लोग इन मीडिया को छोड़ना बंद करेंगे क्योंकि ये देश का नुकसान करते हैं? यानी मीडियाबाजी अगर नहीं होती तो शायद मोदी जी की बेइज्जती नहीं होती, मोदी जी की मौजूदगी में यूक्रेन पर तबाही नहीं करता और जवाब देकर नहीं बताता कि यहां रशिया को जो पूरी दुनिया मिलकर नहीं रोक सकी, पूरी दुनिया की ताकत नहीं झुका सकती है। क्या बात है आप करते हो, आपसे चिढ़कर जो है वो लोग पोस्चरिंग करते हैं और पोस्चरिंग में मोदी जी की मौजूदगी में यूक्रेन पर बमबारी की जाती है, तो आपकी हरकतों की वजह से देश के प्रधानमंत्री की बेइज्जती होती है और ये बेइज्जती का तुम्हें शर्म नहीं आएगी? क्योंकि
देखिए हम देश के अंदर कुछ भी लड़ सकते हैं, देश की इंटरनल राजनीति पे हम कोई भी बात करते हैं, मगर देश का प्रधानमंत्री अगर विदेश में हो तो वो देश का प्रधानमंत्री है, वो तुम्हारा प्रधानमंत्री है, मेरा प्रधानमंत्री है, किसी पर्टिकुलर हथियार बनाने वाले लाला का प्रधानमंत्री नहीं है। या हम किसी लाला को ये परमिशन नहीं देंगे कि वो देश के अहित के लिए जो है बयानबाजी करवाए अपने टेलीविजनों पर, बिल्कुल हम इसके खिलाफ है। देखिए एक बात विनीता जी समझ लीजिएगा, यहाँ पर मोदी जी ने जिनकी बात की है, मैंने आपको पहले ही बताया था, पहले क्या बताया था, मैंने बताया था कि इजराइल के मामला बहुत इंपॉर्टेंट है और मासूम बच्चों की मौतें लगातार इजराइल के अंदर हो रही है और व्लादिमीर पुतिन ने अगर कोई बात की होगी तो हमास की, वहां पर उस इजराइल युद्ध की बात की होगी, क्योंकि इजराइल के अखबार बाकायदा लिख रहे हैं कि भारत की तरफ से हमें हथियार प्राप्त हो रहे हैं। अगर भारत की तरफ से हथियार प्राप्त हो रहे हैं, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये कोई हवा में बात नहीं कर रहा हूं, जाइए सर्च करिए, जो जो देख रहे हैं वो इजराइल के अखबारों ने ये बात जो है बिल्कुल लीक की है, ईरान के अखबार ने ये बात जाहिर लिख के बाकायदा चिंता जाहिर की है भारत को लेकर। तो ये इंटरनेशनली क्या हो रहा है वो तुम देखते नहीं हो, वो तुम इस देश को गुमराह करने की और बहकाने की बात करते हो। तो सवाल ये उठता है कि अगर हमारा मित्र, जहां से हमारा तेल के अलावा हमारा रुपए में व्यापार होता है, जहां पर हमारा चावल ये भी एक्सपोर्ट होता है, जहां से हमारा ड्राई फ्रूट का कारोबार चलता है जिससे हम काफी मुनाफा कमाते हैं, वो बड़ी बात ये है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व्लादिमीर पुतिन के गले लग रहे थे तब यूक्रेन के प्रेसिडेंट ने क्या कहा वो देखिए, उन्होंने क्या कहा, क्योंकि काफी लंबे वक्त से कहीं ना कहीं वो इंतजार कर रहे हैं इन परिस्थितियों को देखने का, समझने का कि आखिरकार क्या है सिचुएशन। वो यहाँ पर कह रहे हैं कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश के मुखिया को इनके गले लगते देख बड़ा झटका लगा। एक बात, ये प्रेसिडेंट कह रहे हैं यूक्रेन के। अभिनेता जी बात क्या है, मोदी जी को व्लादिमीर पुतिन के साथ गले मिलते देखकर झटका इसलिए नहीं लगा जेलेंस्की को कि जेलेंस्की को यूक्रेन की जनता की चिंता है। माफ करना, वो एक यहूदी है और उसको वहां पर प्लांट किया गया है और इसको प्लांट करके जो है वहां के जो के वहां कोई बहु बहुत एक आध % से ज्यादा यहूदी नहीं रहते उस देश में, मगर इजरायली इस यहूदी को जो वहां पर राष्ट्रपति बनाया गया है, इसे इजरायल और अमेरिका के हितों के लिए बनाया गया है, ये बात पूरी दुनिया जानती है। भारतीय मीडिया, भारतीय तथा कथित बुद्धिजीवियों को, साफ कह रहा हूं, तथाकथित बुद्धिजीवियों को छोड़ दो तो पूरी दुनिया जानती है कि रशिया के साथ दुनिया क्या कर रही है, नाटो क्या कर रहा है, अमेरिका क्या कर रहा है, जेलेंस्की क्या कर रहा है। एक जहां पर मोदी जी ने भी कहा कि हर किसी को अपनी संप्रभुता की रक्षा की जो है इजाजत है, अब इसको भारतीय मीडिया चूंकि मानसिकता रखता है अमेरिका की, क्योंकि इनके मालिकों के कारोबार पार्टनरशिप अमेरिका के साथ है, तो ये लोग अमेरिका के एंगल को बता रहे हैं, देश की जनता को गुमराह कर रहे हैं कि ये जो हो रहा है, ये कह रहे हैं कि संप्रभुता, संप्रभुता किसकी है, रशिया की। क्यों? क्योंकि रशिया के चारों तरफ जितने देश रशिया से टूटे थे, अलग हुए थे, उन देशों को लगातार, पहले तो रशिया को यूएसएसआर को तोड़ा, उसके बाद इनको नाटो में शामिल किया। नाटो क्या है? नाटो एक वो संगठन है जो यूएसएसआर के खिलाफ बनाया गया, रूस के खिलाफ बनाया गया, रूस को बर्बाद करने के लिए किया गया, उसको खत्म करने के लिए किया गया। आप उसके सरहदी, उसके इलाकों को, उसके दोस्तों को अपने साथ शामिल करके अपनी ताकत बढ़ाते जाओगे ताकि रूस को खत्म कर सके, यानी उसे अपनी संप्रभुता की रक्षा की कोई जरूरत नहीं है। तुम सिर्फ जो है, अगर तुम जो है, ये वो बात है कि जरा मुंह सीधा करो, और मुंह तुम टेढ़ा कर रहे हो, मुझे तुम पे बहुत गुस्सा आया, मुझे तुम्हारे मुंह पे मुक्का मारना है, तुम मुंह क्यों बचा रहे हो अपना? तो ये ऐसे बेवकूफ अहमक किस्म के जो है तथा कथित बुद्धिजीवी बैठ जाते हैं टेलीविजनों पे आके, जाहिल किस्म के लोग, मतलब इनको क्या बोलूं मैं अब आपको। अब बेसिकली वहां पर डिप्लोमेटिक प्रधानमंत्री ने सही बयान दिया, मैं समर्थन करता हूं प्रधानमंत्री के बयान का, जब वो कह रहे हैं कि अपनी संप्रभुता की रक्षा की डिप्लोमेटिक भाषा का इस्तेमाल किया ताकि रूस को भी उतना ही अधिकार है अपने आप के बचाव करने का जितना कि दुनिया में किसी भी देश को या यूक्रेन को। मैं एक तो यहां पर पूछना चाहती हूँ भाई जी, यहाँ पर एक सवाल तो ये है कि यूक्रेन को लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कह रहे हैं वहां पर, जो उन्होंने कहा, जो उन्होंने एक मिडिल लाइन ली है, स्ट्रॉन्ग लाइन नहीं ली है, शायद इसीलिए उनके प्रेसिडेंट ने बड़े सख्त शब्दों में एक बहुत ही सरकास्टिक, एक तंज भरे बात कह दी है सामने, क्योंकि साल भर से ऊपर हो चुका है लड़ाई को। सवाल ये है कि भारत खुद, वाइफ भाई मेरी बात पूरी सुनिए, मतलब भारत जो है वो खुद रशिया के साथ व्यापार में कई जगह ऐसे फंसा हुआ है, इसकी वजह से क्या भारत की जबान भी लड़खड़ा रही है?
और जैसे मैंने शुरुआत में कहा था कि इंदिरा गांधी ने जिस तरह से इन दोनों देशों के बीच में एक बैलेंस और कंट्रोल बनाया था, वो कैसे आज की तारीख में लैकिंग दिख रहा है, ये दो सवाल। देखिए आप विनीता जी, भू राजनीति में पहले आपको दूसरे एंगल पे समझना पड़ेगा। इंदिरा जी ने जो किया था उसके पहले, नेहरू जी ने जो किया था उसके पहले, आपको याद होगा कि रशिया के जब याल्टा कन्वेंशन हो चुका था तो 1946 में ही एक पत्रकार के जरिए जो है, जो स्टालिन था उसको मैसेज भेज दिया था कि हम रशिया के साथ मिलकर काम करेंगे। वो एक अलग मसला है, बहुत लंबी बात है, दो मिनट में उसे नहीं बताया जा सकता। अब उससे आगे आ जाते हैं, हम तब से रशिया के साथ काम कर रहे थे। पाकिस्तान के साथ हमारा युद्ध होता है, जब हमारा युद्ध होता है पाकिस्तान के साथ 65 में भी, रशिया जो है चाइना से हमें सेव करने के लिए हमारे साथ खड़ा रहता है। उसके बाद 71 का युद्ध होता है, ये सातवां बेड़ा अमेरिका पाकिस्तान के फेवर में लेके एक बंगाल की खाड़ी में आ जाता है, जहां पर रशिया परमाणु तोपे और अपने डिस्ट्रॉयर लेके दीवार बन के खड़ा हो जाता है अमेरिकी बेड़े के सामने और चाइना को मजबूर करता है, और यहां पर ये समझौता मतलब कि वो पाकिस्तान का साथ ना दे, यहां पर हम एक अपनी सफल नीति के तहत 71 का युद्ध जीत लेते हैं और पाकिस्तान के दो टुकड़े कर देते हैं। तीसरी बात, जब ये समझौता शिमला के अंदर होता है, शिमला के अंदर समझौता करने वाला केजेबी का चीफ जिसका नाम मिस्टर मलिक था, उसने जो है जिस वक्त जुल्फकार अली भुट्टो की गर्दन पकड़ के शिमला समझौता कराया तो गुस्से में साइन करके जो है भागा जुल्फकार अली भुट्टो, और उसने कहा कि तुम रिवॉल्वर की नोक पे करवा रहे हो, करवा लो। यानी कि वो मजबूर था रूस के सामने घुटने के टेकने के लिए। यानी हर युद्ध में हमारा साथ देने वाला जो है वो रशिया रहा है, और अमेरिका जो है वो हमें बर्बाद करने के लिए और पाकिस्तान को F-16 देता है, पाकिस्तान को परमाणु संपन्न बनाने में मदद करता है, पाकिस्तान का इस्तेमाल करता है। ये सिर्फ मीडिया अपने मालिकों के हथियारी कंपनियों के फायदे के लिए भारत के एक दोस्त को दुश्मन बताने की कोशिश करते हैं। हाँ, बड़ा सवाल। अब ये कहते हुए इस बात को मैं खत्म कर रही हूँ कि अब भी जो बैटिंग करने की कोशिश की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, वो बॉल बाउंस होगी कि चौका छक्का तो दिखता नहीं। हाँ, लेकिन हाँ ये जरूर है कि अमेरिका उस पर क्या रिएक्ट करेगा, वो एक बड़ा सवाल है। अभी तो सिर्फ यूक्रेन ने उस पर रिएक्ट किया है, वो जब इस तरह के दबाव में आएंगे मोदी जी तो कौन सी डिप्लोमेसी से बचेंगे और देश को बचाएंगे, बड़ा सवाल ये है। वाइट बाय इसी पर चर्चा करेंगे कल, ये एक और एक्सटेंडेड बड़ा डिस्कशन टॉपिक है, क्योंकि अमेरिका क्या करेगा, ये तो रशिया के साथ बात हो गई ना, अभी अमेरिका की कहानी बाकी है, इस पर चर्चा अमेरिका की कहानी। मगर इससे पहले ये जो मैं बताना चाह रहा था, एक पैच इसमें और अगर चाहो तो जोड़ लो कि ये विजिट का मतलब क्या है, क्योंकि ये बजट का मतलब सीधा सीधा ये है कि आरएसएस को अगर मोदी जी इस मीटिंग में गले मिलने और हार पहनने की बात को मानते हैं व्लादिमीर पुतिन की, तो निश्चित रूप से उनको आरएसएस को किनारे करना पड़ेगा, क्योंकि आरएसएस की पूरी फिलॉसफी किस पर आधारित है मैं वो बोलना चाहता हूँ। इसको जो है कनेक्ट अगर कर लें तो आप इसे कह सकें कि अमेरिका वाला पहलू पे कल बात करेंगे, अगर लबो लबाब इसका आप क्या समझते हैं। आरएसएस का मुद्दा ही अमेरिका का, दोनों ही मुद्दे अहम हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे आगे। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें फेसबुक पर, और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।